अच्छा खाना बनाने का मतलब ये नहीं है कि आपको फैंसी इंग्रेडिएंट्स चाहिए। आप बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ भी बहुत बढ़िया खाना बना सकते हैं, जैसे कि आज की हमारी ये रेसिपी है। इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं सोए पल्प मठिया बनाने के लिए। सोए पल्प है बाय प्रोडक्ट जब सोए मिल्क हम सोयाबीन से निकाल लेते हैं। तो चलिए आज की रेसिपी देखते हैं। इस रेसिपी के लिए चाहिए हमें 100 ग्राम सोए पल्प, 100 ग्राम चावल का आटा, 60 ग्राम बेसन, कुछ हरी मिर्चें, फ्रेश कड़ी पत्ता, एक बड़ा चम्मच अजवाइन, एक चम्मच सूखी लाल मिर्च, स्वाद के अनुसार नमक, स्वाद के अनुसार लहसुन और एक बड़ा चम्मच कसूरी मेथी। और इन सब चीज़ों को गूंदने के लिए आधा कप तेल का लेंगे। अब हम सिर्फ मिर्ची, लहसुन और कड़ी पत्ते का थोड़े से पानी के साथ पेस्ट बना लेंगे। अब इस पेस्ट को बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ अच्छी तरह से मिला के मोन बना लेंगे। कसूरी मेथी को अगर आप ऐसे हथेलियों में मल कर डालेंगे तो डंडियां पत्तियों से अलग हो जाएंगी। जब आपका मिक्सचर ऐसे मुट्ठी में आके इकट्ठा होना शुरू हो जाए तो यानी कि ये मोन तैयार है। अब हम इसे पानी से गूंद सकते हैं। थोड़े थोड़े पानी के साथ हम इसे गूंदेंगे जैसे हम आटा गूंदते हैं। अभी आटा तैयार है तो चलिए अब एक कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रखते हैं। जब तक तेल गरम हो रहा है तब तक हम चकला रख लेंगे, उसके ऊपर एक साफ कपड़ा और एक कटोरी में पानी, ताकि जो ये आटा है उसे हम हथेलियों की मदद से बेल सकें। ये मठ्ठी अब हो गई है तैयार। आप इसे चाय के साथ खा सकते हैं या अगर आपके घर मेहमान आए हैं तो मैं बताती हूँ कि इसको आप कैसे सर्व करें। सबसे पहले हम इस पर डाल रहे हैं घर पे चटपटी बनी हुई पुदीने की चटनी, उसके बाद खट्टी मीठी इमली की चटनी, थोड़ा सा इसे सजाने के लिए इसमें अनार भी डाल सकते हैं। अब आप ही बताइए कि कौन विश्वास करेगा कि ये जो मठ्ठी बनी है इसमें उस सोय पल्प का इस्तेमाल हुआ है जो ज्यादातर लोग फेंक देते हैं। आपको हमारी और रेसिपीज हमारे नए YouTube चैनल पे मिल जाएगी जो सिर्फ रेसिपीज को ही डेडिकेटेड है। उसका एड्रेस है youtube.com/peoplefarmproducts।